यूक्रेन क्या? अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे हैं तो भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज का 2017 का यूक्रेन संकट के वक्त का ये ट्वीट ही सिर्फ इस बात को बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार किस हद तक जा सकती है। एक एक भारतीय की दिलो जान से चिंता वाली इसी सोच से जन्म होता है ऑपरेशन गंगा का। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। पांचवा दिन है रूस और यूक्रेन के बीच जंग का। भारत के सिपाही भी डटे हैं और इसी का नतीजा है कि रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट से दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की ये फ्लाइट जिसमें 249 भारतीय नागरिकों को अपनी धरती पर लाया गया। यूक्रेन से अपनों को लाने के लिए ये एयर इंडिया की पांचवी फ्लाइट थी। अब तक 1156 भारतीय सकुशल देश वापस लौट चुके हैं। That the Prime Minister is with you every step, the government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. 26 फरवरी बुकारेस्ट से मुंबई की फ्लाइट से 219 लोग देश पहुंचे। 27 फरवरी को बुकारेस्ट से दिल्ली की फ्लाइट से 250 लोग वापस लौटे। 27 फरवरी को ही बुकारेस्ट से दिल्ली आई फ्लाइट से 240 लोगों को लाया गया। फिर 27 फरवरी को ही बुकारेस्ट से दिल्ली आई तीसरी फ्लाइट में 198 लोग आए और अब 28 फरवरी को बुकारेस्ट से दिल्ली आई एयर इंडिया की फ्लाइट से 249 लोग आए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा, तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खार्की पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे, लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट took this initiative and we are happy, very happy for this initiative. यूक्रेन से तकरीबन 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है जिसमें से धीरे धीरे इनकी वतन वापसी की जा रही है। मोदी सरकार के अहम फैसले के बाद अब मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह खुद हमारे नागरिकों की वतन वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश जा रहे हैं ताकि ऑपरेशन गंगा की पूरी निगरानी की जा सके। पीएम मोदी भी ऑपरेशन गंगा के तहत हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उनकी नजर एक एक गतिविधि पर है। वो अधिकारियों के साथ लगातार फीडबैक ले रहे हैं और वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक देशवासी यहाँ वापस लौट नहीं आता। भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।